नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईगल प्ले पर। दोस्तों, ये वीडियो है ट्रेंडिंग न्यूज़ सीरीज़ का एक और नया फेस एपिसोड, जहां पे मैं आपको 5 मिनट के अंदर पूरे दुनिया से जितने भी न्यूज़ एंड अपडेट्स आ रहे हैं वो देने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल कीजिए, ताकि आप लोग भी अपने दिन के 5 मिनट देखे पूरे दुनिया से जुड़े रह सको। चलिए बॉस, सबसे पहला न्यूज़ आ रहे हैं नेशनल न्यूज़ बिहार से। दोस्तों, बिहार का इलेक्शन डे अनाउंस हो गया है। तो इलेक्शन के पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी गर्ल स्टूडेंट 12th क्लास के एग्जाम को पास करेंगी उनको बिहार गवर्नमेंट से 25,000 रुपए करके दिया जाएगा, और जो भी गर्ल स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगी उनको बिहार गवर्नमेंट 50,000 रुपए करके देंगी। इसके अलावा वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए नए से डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर ITI और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन को लिया जाएगा। चलिए बॉस, कमऑन नेक्स्ट न्यूज। रिसेंटली राज्यसभा में जो एग्रीकल्चर फार्म बिल पास हुआ, जिसके चलते पूरे देश में भी किसान लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में भी रेल रोको प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि 26 सितंबर को खत्म होने वाला था, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष समिति के सेक्रेटरी सरवान सिंह का कहना है कि जब तक ये बिल विथड्रॉ नहीं कर लिया जाता तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। तो रेल रोको प्रोटेस्ट, जिसके चलते बहुत सारे रेल को कैंसिल करना पड़ा, वो 26 सितंबर को नहीं, उसको एक्सटेंड किया गया है 3 दिन, अभी वो 29 सितंबर तक चलेंगे। चलिए बॉस, का हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ यूक्रेन से। दोस्तों, फ्राइडे को नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन के हाईवे के पास में एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश हो गया, जिसके चलते 22 एयरफोर्स कैडेट्स मारे गए, 2 क्रिटिकली इंजर्ड हैं। ये प्लेन लैंडिंग के वक्त में क्रैश हुआ, लेकिन ये क्रैश क्यों हुआ उसके बारे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन पता अभी तक यही चला कि 22 एयरफोर्स कैडेट्स इसके चलते मारे गए हैं। चलिए बॉस, का हमारे न्यूज़ है माली की तरफ से। दोस्तों, 1 महीने पहले मिलिट्री ने माली के गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंका था, प्रेसिडेंट थे इब्राहिम कीता, उनको भी रिजाइन करना पड़ा था, लेकिन आज माली के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं बानडाओ। 70 साल के उम्र में एक फॉर्मर कॉलोनल जिसका नाम है बानडाओ, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। वो 18 महीने के लिए माली के प्रेसिडेंट रहेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़, टेक न्यूज़ पबजी मोबाइल रिलेटेड। आप सबको पता है कि पबजी मोबाइल अभी इंडिया में बैन है, और इसका रीजन आप सबको पता है कि इसके साथ में टेंसेंट का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन मिनिस्टर ने कहा है कि पबजी को बैन करने के लिए सिर्फ वही एक वजह नहीं था। टेंसेंट को तो पबजी मोबाइल बहुत दिन पहले ही अपने रास्ते से निकाल दिया है, तभी पबजी मोबाइल इंडिया में अनबैन होना चाहिए था। खबर आ रही है दोस्तों कि पबजी मोबाइल को बैन करने के पीछे इसका जो वायलेंट नेचर है वो भी एक वजह है। पबजी मोबाइल के चलते बहुत सारे लोग सुसाइड किए हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड का भी केस बहुत सारे आए हैं ऑल ओवर द इंडिया, और इसके वायलेंट नेचर को मद्देनजर रखते हुए भी इस गेम को बैन किया गया था। तो पबजी भले ही अपने नाम से टेंसेंट को हटा दिया हो, अपने नाम से जियो के नाम को जुड़ने वाला हो, लेकिन इसका जो वायलेंट नेचर है वो तो कभी नहीं बदलेगा। तो अभी भी पबजी मोबाइल का फ्यूचर इंडिया में अंधेरे में ही है। चलिए बॉस, कमऑन नेक्स्ट न्यूज़। एक ब्रिटिश टेलीविजन नेचुरलिस्ट जिनका नाम है डेविड एटेनब्रो, जिन्होंने 94 इयर्स की उम्र में इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाए, और बनाते ही वो एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिए। सिर्फ 4 घंटे 44 मिनट में ही उनके अकाउंट को 1 मिलियन फॉलोअर मिल गया, और उनका अकाउंट फर्स्टेस्ट एवर अकाउंट टू क्रॉस 1 मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम बन गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड जेनिफर एनिस्टन के नाम में था, जिनके अकाउंट को सिर्फ 5 घंटे 16 मिनट में 1 मिलियन फॉलोअर्स मिले थे, लेकिन अभी इंस्टाग्राम में सबसे तेज 1 मिलियन फॉलोअर पाने वाले अकाउंट बन गया है डेविड एटेनबरो का। चलिए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ बार्सिलोना से। दोस्तों, बार्सिलोना के बोर्ड और मैनेजमेंट से मेसी बिल्कुल खुश नहीं है। इससे पहले वो बार्सिलोना क्लब छोड़ना चाहते थे, फिर बाद में उन्होंने अपना डिसीजन बदला, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि क्लब के साथ में वो कोर्ट में जाके लड़े। लेकिन रिसेंटली उन्होंने सोशल मीडिया के भाया बताया कि लुइस सुआरेस को जिस तरह से क्लब से निकाला जा रहा है वो उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। बार्सिलोना क्लब के हिस्ट्री के लिए सुआरेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनको इस तरह से निकाल देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मेसी अभी करंट बोर्ड और मैनेजमेंट से इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और लुइस सुआरेस अभी बार्सिलोना छोड़ के एटलेटिको मद्रिद जाने वाले। चलिए बॉस, का हमारा नेक्स्ट अपडेट। आज द टेनिस लेजेंड, जिन्होंने टेनिस वर्ल्ड में सब कुछ अचीव कर लिए हैं, सेरेना विलियम्स का बर्थडे, तो मैं उनको ईगल प्ले और ईगल टेक चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ। चलिए बॉस, कमेंट सेक्शन और एंटरटेनमेंट के सेक्शन से। दोस्तों, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में होने वाला था इस साल 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में, लेकिन उसको पोस्टपोन किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंसमेंट किया है कि ये अभी 2021 जनवरी में 16 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। बॉस, का लास्ट अपडेट। आज हमारे कंट्री के फॉर्मर फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का बर्थडे, तो मैं उनको ईगल टेक और ईगल प्ले चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ। मुझे मेरी वीडियो को बहुत पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।